अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार हैं जिनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। शिल्पा शेट्टी के साथ अक्षय के अफेयर की खूब खबरें आईं, लेकिन इनके प्यार का अंजाम भी काफी बुरा हुआ। हम आपको बता रहे हैं कैसे शुरू हुई अक्षय और शिल्पा की प्रेम कहानी और क्यों हुआ इनकी लव स्टोरी का दी एंड। अक्षय की इमेज फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ में भी लवर बॉय की रही है। शिल्पा से पहले अक्षय का नाम रवीना टंडन के साथ जुड़ा था, लेकिन कहा जाता है कि रवीना और अक्षय के ब्रेकअप की वजह शिल्पा ही थी। कहा जाता है कि अक्षय और रवीना की शादी भी होने वाली थी, लेकिन इन वक्त पर अक्षय की जिंदगी में शिल्पा की एंट्री हुई और दोनों का रिश्ता टूट गया। शिल्पा और अक्षय की मुलाकात 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट पर हुई थी। उसके साथ 1987 में फिल्म जानवर की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें आने लगी। फिल्म धड़कन में दोनों ने एक साथ काम किया। उस वक्त मीडिया में खबरें आई कि दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। दोनों सितारे अक्सर एक साथ देखे जाते थे। इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस प्रेम कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। धड़कन की शूटिंग के दौरान अक्षय का दिल शिल्पा को छोड़कर उनकी खास दोस्त ट्विंकल के लिए धड़कने लगा। शिल्पा को जब ये खबर मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। उस दौर के मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक अक्षय ने शिल्पा के सामने शादी के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी कि शिल्पा तैयार नहीं हुई। अक्षय ने शिल्पा को अपना फिल्मी करियर छोड़ने को कहा, जो शिल्पा को मंजूर नहीं था। साल 2000 में शिल्पा और अक्षय का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद शिल्पा ने मीडिया में अक्षय के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और यहां तक कह डाला कि अक्षय ने उनका इस्तेमाल किया है, और जब दूसरी लड़की मिली तो उन्हें छोड़ दिया। साल 2001 में अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। दोनों के दो बच्चे हैं। बाद में शिल्पा ने भी बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।